हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आरएसएम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दी मैनेजमेंट अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है जो फॉर्मेट है एंड दैट फॉर्मेट इज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के बारे में तो इफ़ यू रिमेंबर हमने लास्ट टाइम वर्टिकल बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया था तो आज हम वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे इनकम स्टेटमेंट या जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं तो हाउ टू रिमेंबर द फॉर्मेट व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ द फॉर्मेट बिकॉज आपको मैंने लास्ट पॉइंट में भी बताया था कि अगर हम मैनेजमेंट अकाउंट्स एस वाई बी कॉम का देखें तो उसमें फर्स्ट टॉपिक जो है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड हमारा सेकेंड टॉपिक जो है रेशियो एनालिसिस इन दोनों चैप्टर्स में एक बेस है एंड दैट इज द फॉर्मेट तो अगर आप फॉर्मेट को सही तरीके से याद रखोगे तो दैट दैट विल बी बेटर फॉर यू टू सॉल्व ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक अभी हम जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखेंगे उसका बेसिक ट्रक्स और बेसिक चीजें मैं आपको बताऊंगा अंदर के पॉइंट्स तो आप इजीली याद रख सकते हो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले क्या आता है तो सबसे पहले आता है सेल्स ठीक है सेल्स आप सभी को पता है कैश होता है क्रेडिट होता है उसमें से रिटर्न माइनस करते हैं हम ठीक है तो सिंपल कैलकुलेशन है जो भी आपका सेल्स होगा वो सबसे पहले आएगा सेल्स में से हम माइनस करते हैं सी ओजीएस सीओ जी एस इज वॉट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं तो इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स ठीक है इसमें अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इनवर्ड वेजेस और उसमें से हमें क्या करना है क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना है तो ओपनिंग स्टॉक परचेजेस कैरेज इनवर्ड वेजेस ऐसे जो भी पॉइंट्स हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के होंगे डिप्रिसिएशन और मशीनरी तो ऐसे जो पॉइंट्स हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के वो हमको लेने हैं और वो हमको लेने के बाद हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा सी ओ जी एस ठीक है मैं आपको अभी सी ओ जी एस डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो अगर हम अगर हम क्या करेंगे अगर हम सी ओ जी एस और सेल्स कैलकुलेट करने के बाद सेल्स में से सी को आप अगर माइनस करते हो तो दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू वी हैव टू डिडक्ट दिस ओके सेल्स माइनस सी अगर आप माइनस करते हो तो आपको जो भी आंसर मिलेगा दैट आंसर इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं या ग्रॉस मार्जिन कहते हैं एनी यू कैन राइट तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट फॉर्मेट का बिकॉज इसी के बेस पे यू कैन सॉल्व कॉमन साइज कंपेरेटिव स्टेटमेंट ट्रेंड एनालिसिस आप इसी के बेस पे सॉल्व कर सकते हो इसके बाद हमको क्या करना है इसके बाद हमको लेस करना है क्या लेस करना है लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस काफी सिंपल है क्या लेस करना है लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस देखो इस पूरे कैलकुलेशन में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में तीन पॉइंट्स आते हैं ध्यान रखना काफी सिंपल कैलकुलेशन है लेकिन यहां से मेन कंफ्यूजन शुरू होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है दैट इज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस ठीक है पहला कौन सा है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस नो नीड टू बाड दिस बिकॉज ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन आप सभी को पता है ऑफिस की सैलरी फिर जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस स्टेशनरी इंश्योरेंस रेंट एंड टैक्सेस सैलरीज ऐसे पॉइंट हमारे किस में जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी पॉइंट्स है वो आप लिखोगे उसके बाद हमारा सेकेंड पॉइंट आता है सेलिंग क्या आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ठीक है काफ़ी सिंपल है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में क्या आता है एडवर्टाइजमेंट आता है सेलिंग एक्सपेंसेस आता है सेल्समैन कमीशन आता है फिर ये जितने भी पॉइंट्स है डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस आते हैं फिर एनी काइंड ऑफ ब्रांड एम्बेडर की फ़ीस आती है जो भी खर्चे सेलिंग को रिलेट करते हैं वो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस में आएंगे फिर हमारा जो तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट होता है फाइनेंशियल एक्सपेंस क्या होता है तीसरा पॉइंट फाइनेंशियल एक्सपेंस ठीक है फाइनेंशियल एक्सपेंस में क्या आता है इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ये सारे पॉइंट्स आपके आते हैं ठीक है थीके? तो काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन देखो ये वैल्यू फिर सेलिंग का वैल्यू फिर हमारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का वैल्यू ठीक है काफ़ी सिंपल है ये ग्रॉस प्रॉफिट को मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए तो ये ग्रॉस प्रॉफिट जो है हमारा ये हमको समझो फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा कॉलम्स so, जब आप बनाओगे तब आपको पता चलेगा फिर इन तीनों वैल्यूज को इन तीनों वैल्यूज को हमको क्या करना है इन तीनों वैल्यूज को हमको ऐड करना है एंड दैट आंसर इज कॉल्ड एज टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या करना है तीनों वैल्यूज को ऐड करना है वो आपको मिल जाएगा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस यहां पे लिखूंगा उसको हम ब्रैकेट डालेंगे ध्यान से अभी करना क्या है इस वैल्यू में से ग्रॉस प्रॉफिट के वैल्यू में से ये टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू को क्या करना है आपको लेस करना है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वी नीड टू डू व्हाट वी नीड टू डिडक्ट इट हम लोग इसको अगर डिडक्ट करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ठीक है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो कैसे मिलेगा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करना है इसके बाद हम क्या करेंगे इसके बाद हम प्लस करेंगे क्या प्लस करेंगे ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम ठीक है ध्यान से दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बिकॉज इसमें कंफ्यूजन होता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको कहाँ मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में मिलेंगे जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये सारे आपके क्या है नॉन ऑपरेटिंग इनकम है तो वो हम क्या करने वाले हैं वो हम ऐड करने वाले हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे फिर हम क्या करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज को लेस करेंगे तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को वी विल बी डिडक्टिंग तो ये कहाँ मिलेगा ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मिलेगा क्या करना है कैसे माइनस करना है कौन से पॉइंट्स आएंगे ध्यान से सुनना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा एक्सपेंस जो बार बार नहीं होगा रिकरिंग नहीं होगा जैसे कि आपने अगर कोई असिट बेचा तो असेट बेचते वक्त आपको प्रॉफिट हुआ तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आएगा और असेट बेचते वक्त अगर आपको लॉस हुआ तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आएगा तो वो आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में लॉस आ जाएगा ये हो गया इधर ब्रैकेट डाल दिया अब आपको करना क्या है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिस वैल्यू इसमें ये ऐड करना है और इसमें से ये क्या करना है लेस करना है तो हमको मिल जाएगा आंसर दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ठीक है क्या मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं एन पी बी टी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा फॉर्मेट पर पूरा कैलकुलेशन बेस है इसमें से हम माइनस करेंगे टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स या इनकम टैक्स आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको हम करने वाले हैं माइनस तो जब आप माइनस करोगे तब तो आपको आंसर मिल जाएगा एंड दैट आंसर इज कॉल्ड एज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक है बहुत ही सिंपल है डोंट गेट कन्फ्यूज फिर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एन पी ए टी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा अभी कभी कभी क्या होता है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक ही फॉर्मेट रहता है आगे कुछ भी पॉइंट्स आपको दिए नहीं रहते लेकिन हम इसमें पूरा फॉर्मेट पढ़ रहे हैं तो पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे इसमें हम ऐड करने वाले हैं लास्ट ईयर का बैलेंस ठीक है आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा लास्ट ईयरस बैलेंस तो जो भी आपको क्वेश्चन में लास्ट ईयर का बैलेंस दिया है वो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अगर आप लास्ट ईयर का बैलेंस को ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा एंड दिस दिस आंसर इज प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन ठीक है नाम से कंफ्यूज मत होना कंसेप्ट को समझो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन ये आपका हो गया उसके बाद आपको लेस करना है फाइनल पार्ट लेस आएगा अप्रोप्रिएशन देखो अप्रोप्रिएशन में बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व प्रपोज डिविडेंड इंट्रीम डिविडेंड ये सारे आपके अप्रोप्रिएशन है जो आप प्रॉफिट में से सेट असाइड करोगे तो ये आप क्या करोगे ये प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन में से आप ये इसको क्या करोगे माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर अप्रोप्रिएशन में से अगर हम अप्रोप्रिएशन को माइनस कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा एंड दैट फाइनल आंसर इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स ध्यान से इट इज कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग्स इसको रिटेन्ड अर्निंग्स बोल सकते हैं या रिटेन प्रॉफिट भी बोल सकते हैं तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने अभी प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट पढ़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने आपको पिछला एक वीडियो दिया था तो उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और आई बटन में भी मिल जाएगा आपको तो वो सारी चीज़ें रिवाइज करें ये दोनों फॉर्मेट्स आप अगर इन दोनों फॉर्मेट्स के ऊपर ग्रिप हासिल कर लेंगे तो आपको ये दो चैप्टर्स जो है चैप्टर नंबर वन एंड चैप्टर नंबर टू यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स वाइल सॉल्विंग दिस टॉपिक बिकॉज बोथ दी टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट बेस है फॉर्मेट। आई होप कि आपको ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा है अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बिकॉज जैसे ही नया वीडियो आएगा वैसा नोटिफिकेशन मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच बाय बाय टेक केयर